छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कबीरधाम जिले के निवासी झाम सिंह धुरवे की मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गोली चलाने से हुई मौत के मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि आदिवासी वर्ग के झाम सिंह धुरवे कबीरधाम जिले के विकास खंड बोड़ला अंतर्गत ग्राम बाल समुद के निवासी थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लिखे गए पत्र में छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र कवर्धा के ग्राम बाल समुद निवासी नेम सिंह धुरवे ने 8 सितंबर को छत्तीसगढ़ के जिला कबीरधाम के थाना झलमला प्रभारी को अभ्यावेदन दिया है। इस अभ्यावेदन के आधार पर प्रारंभिक तौर पर तथ्यों की पड़ताल में यह संज्ञान में आया है कि मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा में 6 सितंबर को दो निर्दोष आदिवासियों झाम सिंह धुरवे तथा नेम सिंह धुरवे पर अकारण ही गोली चलाई गई। गोली चलाने से झाम सिंह धुरवे की मौत हो गई तथा नेम सिंह धुरवे पर गोली का निशाना चूक गया। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को बताया है कि उक्त घटना के कारण क्षेत्र के आदिवासी समाज में अत्यधिक आक्रोश है। उन्होंने इस घटना को उच्च स्तरीय जांच कराने तथा छत्तीसगढ़ सरकार को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने आदेशित करने कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जे न्यूज़, कवर्धा।